हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। रेनू जुए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रिलेटेड है मेरे ही टेरेस गार्डन से, जो मैंने वहीं पर ग्रो की थी। आप देखिए, बीच में आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे जो मैंने प्याज लगाई थी और बीच में उसकी गुड़ाई करी थी, तो अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है और उसके पत्ते भी खाने लायक हो गए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि रात की सब्ज़ी में मैं आलू प्याज बनाऊँ, प्याज के पत्तों की सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैं आई हूँ छत में ये अपने प्याज के पत्ते तोड़ने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि प्याज कैसे हो रहे हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे पत्ते हो रहे हैं। तो हम इनको, जो ज़्यादा बाहर बाहर की ओर को पत्ते हैं, इनको तोड़ लेंगे। इनकी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है प्याज के पत्तों की। तो इस तरीके से हम जो ये बाहर बाहर के पत्ते हैं ना, इनको तोड़ लेंगे, जो नीचे नीचे की जड़ों के हैं। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घने पत्ते हो गए हैं, तो उसके कारण ये स्पेस इनको कम मिल रहा है अब। तो जहाँ जहाँ पर को हमको पत्ते अच्छे दिख रहे हैं, उन पत्तों को हम तोड़ लेते हैं, प्लक कर लेंगे। और इनकी बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, सूखी सब्ज़ी बनती है। और अगर आप चाहें तो इसकी झोली भी, हमारे यहाँ तो पहाड़ी में झोली भी बनती है इसकी। अगर आप उत्तराखंड कुमाऊँ गए हों तो वहाँ पर हम इसकी झोली बनाते हैं भात के साथ भी। इसमें पत्तियाँ ली हैं, एक इससे, इससे, और जो ये तीन नीचे पड़े हुए हैं इनसे अभी मैंने पत्ते नहीं लिए हैं, क्योंकि ये अभी मेरे इतने गमलों से ही काफ़ी हो गए थे। बाकी मेरे गमले अभी प्याज के इधर भी हैं, पर इनसे नहीं लिया। हालांकि पत्ते तो ये भी और ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मुझे इससे भी ले ही लेना चाहिए। तो मैं इससे भी ले ही लेती हूँ पत्ते, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पत्ते होने से भी अच्छा नहीं होता, तो इनको थोड़ा कम कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा पत्ते भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर उससे जो प्याज की गांठ है वो नहीं बन पाती है। तो जब मैं प्याज ले रही थी तो मुझसे मम्मी ने पहले कह दिया था, अरे सारे प्याज के पत्ते मत निकाल देना, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर ये सारे प्याज के पत्ते निकाल लेगी तो फिर प्याज की जड़ें नहीं होंगी। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी इसमें आज पानी की भी कमी हो रही है, तो आज सूखा है। आज शाम को इसमें पानी डालती हूँ और ये सही हो रहे हैं, अच्छी खासी जड़ें होंगी इसमें प्याज की। तो चलिए, अब ये प्याज के पत्ते हो गए हैं काफ़ी, इनको धो के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सूखे रहेंगे तो काटने में आसानी होगी। दोस्तों, मेरे प्याज के पत्ते हो गए हैं, तो अब हम चलेंगे किचन में और इनको धो के थोड़ी देर सुखाने लगा देंगे। हमारी पहाड़ी में कुने अखरा दिनों धोए धाबे, तो अब ले जाते हैं और इनको धो के थोड़ा, ताकि जब मैं काटूं इनको बाद में तो मुझे काटने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, हरी सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है ना, पर जो इसमें मेहनत लगती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको धो, सुखाओ, काटो, बड़ी परेशानी वाला काम लगता है मुझे। तो प्याज के पत्तों को ना अच्छे से धोना भी ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसे दो तीन बार अच्छे से डुबो डुबो के पानी में धो लीजिए। दोस्तों, मैं भी ये हरी सब्ज़ी को, जो पत्ते हैं, दो तीन बार धो लूँगी और तब ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। हालांकि मैं बाज़ार की सब्ज़ी अगर कोई भी लेती हूँ तो उसे नमक पानी के घोल में ही डाल के वो करती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ियों के कारण मैंने ना बीच में बहुत सफ़र किया है हेल्थ वाइज, तो इसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह रहते हैं, तो ध्यान रख से आप भी। और दूसरा, हरी सब्ज़ी आप जब भी पहले धो लें फिर काटें, पहले काटें नहीं, क्योंकि उससे फिर उसकी सारी पौष्टिकता बह जाती है। तो इनको धोकर मैं साइड में रख दूँगी और इसका पानी थोड़ा निथर जाएगा। और इस बीच में मुझे छत में जाना है दोबारा, क्योंकि मैं वहाँ पेंट कर रही थी गमलों में, उसी बीच में मैं ये काम पकड़ लिया था। ये हो गया है, बस अब इसको मैं प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी।
बड़े से टब में धोने का फ़ायदा यही होता है कि पानी में पूरे डूब डूब कर ही ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं ना। और पानी अब साफ भी आ गया तो ट्रे में रख लेती हूँ और चलते हैं छत में। इसके बाद ये देखिए, आज मैं सारे छत में पेंट कर रही थी, जो लाल लाल मैंने सभी बेस बना लिया था उनका, लेकिन वाइट जो पॉइंट हैं वो नहीं बना पाई थी बीच में, तो अभी कुछ छूटे हुए हैं और कुछ में मैंने कर दिया है, इसी कारण से पूरा दिन बिजी रहा मेरा। तो दोस्तों, सब्जी काटनी मैंने शुरू कर दी है, शाम का समय हो गया तो समय पर खाना भी बनाना है। हमारे घर में ना मम्मी इसकी सूखे पत्तों की सुबह नाश्ते में रोटी और इसकी सब्जी, आहा इसके साथ तो कितनी सारी रोटियां खा जाती थी मैं, और झोली, इसकी सब्जी भी बहुत तरीके से बनाई जाती है, दही डालकर भी बनाई जाती है और मूली के साथ सूखी भी बनाई जाती है, और स्प्रिंग अनियन जो है आप नूडल्स में जो चाउमीन होती है उसमें, और मैगी में, कितनी सारी चीज़ों में डाल सकते हो ना, फ्राइड राइस में, तो पौष्टिक भी होता है ये ग्रीन वेजी, हरी जो भी चीज़ें हैं सब पौष्टिक होते हैं। मैं हरी सब्जियों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, अगर शायद मेरे पौधे लगाने का मेन कारण यही था कि मुझे जो है पेड़ पौधों से बहुत प्यार है और मुझे चाहिए हरी सब्जियाँ रेगुलरली। तो जब बचपन में आपने कोई चीज़ें खाई होती है ना, तो बड़े होके आपको वो चीज़ों का स्वाद बार बार याद आता है, तो फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ को करने की कोशिश करने लग जाते हो। देखो इसमें बहुत पानी होता है, हाँ, प्याज में, तो जब आप इसको पकाओगे ना, और मैं मोटा मोटा काट ले रही हूँ इसको, मैं कोई बहुत पतला नहीं काट रही, कोमली हैं और पक जाते हैं तो बिल्कुल इतना वो नहीं रहता, हालांकि मुझसे इससे ज़्यादा पतला काटा नहीं जा रहा। एक्चुअली मैं ये इस तरीके से काटती हूँ तो मेरे ये यहाँ पर को कट्स आ जाते हैं छोटे छोटे, इसीलिए आज मैं दराती से नहीं काट रही हूँ, हालांकि काटने का मेरा तरीका वही है, मैं चॉप बोर्ड का प्रयोग नहीं करती ना, जो बोर्ड होते हैं चॉपिंग बोर्ड, मुझे आदत नहीं है उनकी, तो इस वजह से थोड़ा मेरे लिए परेशानी होती है, पर कोई नहीं, खाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। दोस्तों, ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो आलू को हम थेच सकते हैं सिलबट्टे में उस तरीके से, दूसरा हम इन्हें कट कर सकते हैं। तो जो ये है आलू बहुत पतले छिकलों वाला है, आप देखोगे बहुत पतले छिकलों वाला है, तो हम इसे धोकर ना सिलबट्टे में थोड़ा थेच लेंगे तो उससे भी ये बहुत टेस्टी आ जाएगा और अलग टेस्ट आएगा। तो चलिए हम आज यही करते हैं, इनको धो लेते हैं और उसके बाद इनको सिलबट्टे में थेचते हैं, बोलिए, और उसके बाद अब हम इनको हल्के हाथों से रब कर लेंगे और नाइफ चाकू की सहायता से ना हल्के हल्के से छिल लेंगे, इसका पूरा छिलका नहीं उतारना है बल्कि हल्के से रब करके, ये देखिए इस तरीके से वो छिलका उतर जाएगा, क्योंकि इतना पतला है ना वो एकदम से स्किन छोड़ दे रहा है। तो इसी तरीके से आप पूरे आलुओं को छिल लीजिएगा और साफ से, और कहीं कहीं पर छिकल रहते भी हैं तो रहने भी दीजिए, क्योंकि पुराने समय के अभी भी अगर आपके पास अच्छा आलू है और धोने के बाद वो साफ हो जाता है तो उसका छिलका नहीं उतारिए, क्योंकि छिलके में बहुत पौष्टिकता होती है, छिलका समेत ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है, जो ख़राब हो उसे निकाल दीजिए। और ये पर्पल जो भाग होता है, बैगनी भाग, इसे तो बिल्कुल भी मत खाइए, ये बिल्कुल जहर की तरह होता है, ऐसा मैंने सुना है और अधिकतर मैंने देखा भी है कि मम्मी पापा भी मेरे इसको काट देते थे। वैसे ये बोलते हैं कि जहाँ से जर्मिनेट होता है ना वहाँ पर को पर्पल जैसा हो जाता है। सारे आलू मैंने धोकर साफ़ करके रख लिए हैं और इन्हें सिलबट्टे में आप पीसते हैं। सिलबट्टा मेरा थोड़ा हरा हरा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल मैं इसमें धनिया का नमक पीस रही हूँ मूली के सलाद के लिए रोज़, तो इसलिए। बाकी हम यहाँ पर को सारे आलू थेच लेंगे। अब एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको कि जो आलू हम इस तरीके से थेचते हैं ना वो पकने में भी जल्दी पकता है और टेस्टी भी होता है। आप कभी अंदाज़ा लगाइए या कभी देखिए, ट्राई ज़रूर कीजिए कि कभी आलू को आप वैसे न करें कट नाइफ़ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से, एक बार इस तरीके से थेच कर सिंपल सी आलू की रसदार सब्ज़ी भी बनाकर देखिए, बहुत ज़बरदस्त होती है। गैस ऑन करते हैं और रखते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम डालेंगे सरसों का तेल, और बहुत सिंपल सब्जी बनाने वाले हैं, कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स सामग्री नहीं लगेगी। सरसों का तेल मैंने यूज किया है और जीरा नहीं डालूंगी मैं, डालने वाली हूँ धनिया और एक दो सूखी लाल मिर्चें डालूंगी। पहाड़ी खाना अगर आपने बनाना है तो लोहे के बर्तनों में ही बनाइए, बड़ा टेस्ट आता है। पुराने समय तो पीतल
कांसा तांबा इन्हीं बर्तनों में खाना बनता था और टेस्टी भी होता था। अब ऐसे बर्तन होते तो नहीं है तो अपने लिए लोहे की कढ़ाई काफ़ी है। तो मिर्च भी, धनिया मैंने डाल दिया है और मिर्च भी, और जीरा मैंने नहीं यूज किया है, सिंपल सा खाना है। आलू जो कूटे थे, थेचे थे, वो भी डाल देंगे हम इसमें और हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फ्राई जैसा कर लेंगे और उसके बाद ही हम मसाले डालेंगे। आप देखोगे ना इतनी सिंपल सब्जी है, कोई सामग्री नहीं है, पर स्वाद में बहुत ज़बरदस्त। मैं जब जॉब में थी तो मैं कपकोट में बहुत ऊपर लाहौर गांसी करके गांव में गई थी, तो वहां पर को हम लोगों का नाइट होल्ड था। तो जो लेडी थी ना वो अपने गार्डन में उनके अपने घर के सामने खेत में गई, हाथ से दो आलू खींचे उन्होंने, ज़मीन से निकाले खेत में से, और वहीं पर से धोए और दो सिलबट्टे में मार के उन्होंने सब्जी बनाई। और मैं मतलब आज भी अपने जीवन में मैंने उतनी अच्छी सब्जी नहीं खाई है। आलू मैंने भून दिए थे और नमक डाल दिया है, बाकी आप देखिए खाली हल्दी और जो धनिया और जीरा मिक्स पाउडर बनाती हूँ मैं, वो डाल देंगे हम। तो तब मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं, पौष्टिक भी होती हैं और उसका टेस्ट आप मतलब वो सब्जी का मैं आज भी स्वाद नहीं भूली हूँ मुझे अभी भी। और सिर्फ आलू की सब्जी थी और उससे पहले होता क्या था, मुझे आलू की सब्जी इस तरीके से पसंद नहीं थी, आलू का पानी नहीं, मुझे नहीं खानी, पर उस बार मुझे बहुत लगा था। कुटी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है, तो वो उस तरीके का खाना मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और पता है आपको कपकोट बागेश्वर में अगर आप जाओगे ऊपर के गांव में दानपुर मल्ला दानपुर में, वहाँ आपको ना इतनी सारी घी के साथ वो सब्जी देता है, बड़ा ज़बरदस्त स्वाद होता है। तो प्याज जो काटी थी हमने पत्ते वो भी डाल देते हैं। और देखिए एक ही बार में ये इतना भर गया है तो हम एक साथ ही नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए कम होने दिया मैंने क्योंकि एकदम से ये थोड़ा कम हो जाता है। अब हम जो बाकी बचा है वो प्याज के पत्ते भी डाल देंगे और इनको अच्छे से चलाएंगे। इसमें से पानी बहुत निकलेगा मैंने आपको बताया हुआ था, लेकिन ये सूख जाता है तो इसको लगातार चलाते रहिए आप। और उसके बाद थोड़ा सा इसको ढककर बंद करके मतलब ढक्कन लगा के ही हम पकाएंगे। और देखिए सब्जी का कलर कितना सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर दिख रही है सब्जी, या शायद मैं मुझे लगता है कि मुझे पसंद है इसलिए मुझे पसंद आ रही हो, लेकिन सच में सब्जी बहुत सुंदर दिख रही है। तो ढककर पकाते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी अब कितनी कम हो गई है, मैंने मध्यम में रख ली थी सब्जी को, देखिए ये और सारा पानी इसका मर गया है, मतलब सारा पानी सूख गया है। और सब्जी ना इतनी सुंदर दिख रही है, आप देखिए ये देखिए बहुत सुंदर, और सब्जी कितनी कम हो गई है। एक समय ऐसा था कि मुझे दो बार ये प्याज डालना पड़ा था, और अब देखिए सब्जी कितनी कम हो गई है ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है ना तो इसलिए, लेकिन ये बहुत टेस्टी और यम्मी इतनी सुंदर दिख रही है ना ये सब्जी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी हो गई है और हम गैस बंद करते हैं, ये अपने आप गर्म रहेगी गैस बंद। और अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि जब रोटी बनाएंगे तभी आएंगे मज़े। जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बेल लेते हैं और उसके बाद सेक लेंगे। सॉरी बीच में मेरा मैं कैमरा भी ऑन करना भूल गई थी। ये मेरी लोई बना रही हूँ मैं, इस तरीके से लोई आप भी बना लें। और ये आटा मेरा आपको मैं बता दूँ मल्टीग्रेन आटा है और ये मैंने घर पर ही बनाया है। मैंने कुछ बाजरा, ज्वार और मक्के और चने इसमें मिलाए हुए हैं, साथ ही साथ इसमें रागी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा ज़्यादा मिलाया है। एक चीज़ और है, मैं सारे आटे को एक ही साथ नहीं पीसती, जैसे मैंने एक आटा मिक्स बनाया हुआ है रागी और गेहूं का, एक बनाया है ज्वार बाजरा रागी का और एक प्योर गेहूं का रखा हुआ है। उससे कभी कभी ये होता है कि व्रत वगैरह में केवल गेहूं की रोटी चलती है ना, तो उस वजह से वो मिक्स नहीं किया हुआ है। तो गरम गरम रोटियां बनाते हैं और टेस्टी सी सब्जी हमने बनाई रखी है तो हमने उसका आनंद लेना है। रोटी सिक गई है तो दूसरी रोटी डाल के अब इसको फुला लेते हैं, फूल का मेरा बहुत अच्छे से फूल जाएगा। और देखिएगा आप, क्योंकि इसीलिए थोड़ा उसका कलर अलग सा है रोटी का, क्योंकि वो बहुत सारा उसमें अलग अलग तरीके के आटा है, तो इसीलिए वो प्योर जो गोरा सा रोटी होती है वो नहीं है, बल्कि अलग अलग ग्रेन्स के कारण उसका थोड़ा सा कलर चेंज है। मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से सारी रोटियां बेलकर जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और ये रोटी भी तवा भी थोड़ा टाइम लगा रहा है गर्म होने में, मुझे ऐसा लग रहा है।
चलो जल्दी जल्दी सारे फुलके सिक जाएंगे तो हम हमारी यम्मी सी सब्जी का आनंद लेंगे। मुझे आज अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं जब मेरी मम्मी ये इस तरीके की कोई सब्जी बनाती थी तो मैं पहले ही चूल्हे के सामने बैठ जाती थी अपनी प्लेट लेकर के गरम गरम, और गरम गरम रोटी के साथ ना कोई भी चीज़ खाओ बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब कि आप बैठ जाइए, आपकी मम्मी सामने आपको बना कर एक एक रोटी करके दे रहे हैं ना, आपको दो रोटी की भूख होगी, आप चार रोटी खाओगे ये पक्का है। और हर माँ के हाथ में बहुत टेस्ट होता है, हर बच्चे को यही लगता है। घी भी लगा लेती हूँ रोटियों में, आपको पता ही है बिना घी के मेरा काम नहीं चलता, और घी तो मुझे लगाना ही है, तो घी मैंने लगा ली है सारी रोटी में, मैं घी लगाऊंगी। तो इसीलिए मतलब मैं कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना तो मुझे मम्मी की और पापा की ज़रूर याद आ जाती है कि उनके हाथ का खाना, उनके हाथ का टेस्ट, रोटियाँ भी जल्दी जल्दी बन जाएँ। तो बस ये मैं डाल रही हूँ सब्जी, तो मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। तो ये मेरी मसूर की दाल सुबह की बची है तो श्रीमान जी को दे देती हूँ, क्योंकि वो उन्हें दाल पसंद है। तो दिन में मैंने आज मसूर की दाल बनाई थी, ये देखिए, और दली हुई मसूर की दाल बनाई थी, पहाड़ी मसूर की दाल, ये भी बहुत टेस्टी होती है, और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं चाहूँगी कि ये रेसिपी मेरे पापा बनाएं और तब आप लोग देखें, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त उनके हाथ की ये सब्जी वो दाल होती है ना, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं उसका। और अपने लिए मैं लेकर आई हूँ कढ़ाई में, और क्योंकि मुझे तो भाई कढ़ाई में खाना पसंद है, और मैं कढ़ाई में ही अधिकतर सबको परोसने के बाद अपने लिए कढ़ाई में लेके ही रखती हूँ, और उसे पोछ पाछ के बढ़िया तरीके से खाती हूँ पूरा करछी सहित। वो तो अच्छी बात है मेरी बारात के दिन बारिश नहीं आई, वरना हमारे यहाँ कहते हैं कि जो कढ़ाई पोछ के खाता है, कढ़ाई और करछी चाट के खाता है, तो बारिश आती है बारात के दिन। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं अपना डिनर इन्जॉय कर रही हूँ, और आप लोग भी अपना डिनर इन्जॉय कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।